अब इसकी जो इन्वेंशन है इसकी जो डिस्कवरी है वो कहां से स्टार्ट हुआ था अब तक हम लोगों ने एक बात पढ़ चुके हैं कि करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अगर आप किसी भी वायर में से करंट को पास करोगे तो आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और आप क्या बोलते हैं इस यूनिवर्स में इस नेचर में सिमेट्री है अगर करंट मैग्नेटिक फील्ड बनाता है तो मैग्नेटिक फील्ड को करंट बनाना चाहिए ओके तो इस चीज को प्रूफ करने के लिए हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट ने वर्क किया तो फाइनली एक साइंटिस्ट थे फेराडे उन्होंने क्या फाउंड किया कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड और अ फ्लक्स प्रोड्यूस करंट अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो आपका करंट क्या होगा प्रोड्यूस होगा तो ये जो इन्वेंशन हो किसने किया था फराडे ने किया था ओके okay? तो जिसको आप क्या बोल रहे हो आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है इट इज अ फिनोमिना ऑफ इंड्यूसिंग करंट ई एम एफ और वोल्टेज वेन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कंडक्टर चेंजेस अगर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो आपका करंट प्रोड्यूस होगा वोल्टेज प्रोड्यूस होगा या ई एम एफ प्रोड्यूस होगा ओके okay. क्योंकि वोल्टेज से ही आपका करंट फ्लो करता है और आपको याद रखना है ई एम एफ और वोल्टेज एक ही बात है ठीक है कई जगह ई एम एफ लिखा होता है कई जगह वोल्टेज लिखा होता है तो ये छोटा सा यहा था कि ई एम आई क्या होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है ज द फोनोमिनाड्यूसिंग करंट व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक अगर फ्लक्स चेंज होगा तो आपका करंट प्रोड्यूस होगा आपको यह बात याद रखनी है अब मैग्नेटिक फ्लक्स होता है क्या आपको ये बता होना चाहिए मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता देखो। है देखो मान लेते आपके पास किसी भी रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है एक्स डायरेक्शन में और आपने यहाँ पे कोई भी कोयल या लूप प्लेस कर रखी है और आप क्या देख रहे हो इस लूप में से कितने आपकी नंबर ऑफ फील्ड पास हो रही है थ्री ओके okay, तो फ्लक्स बेसिकली क्या होता है द द नंबर ऑफ फील्ड पासिंग और क्रॉसिंग थ्रू क्लोज लूप जितनी आपकी नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास करेंगी इस क्लोज लूप से वो किसको इंडिकेट करती है मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर नंबर ऑफ फील्ड मैग्नेटिक्ल ज्यादा पास करेगी तो फ्लक्स क्या होगा ज्यादा होगा अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइन कम पास करेंगी तो फ्लक्स क्या होगा कम होगा आपका तो एक बात आप समझ चुके हो कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द लूप रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फ्लक्स ओके okay, तो आपका जो फ्लक्स है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है फर्स्ट फैक्टर के यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अब जो मैगने मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपका फील्ड स्ट्रॉन्ग है या वीक है जैसे मान लो आप क्या देख रहे हो यहां पे इस रीजन में इस एरिया में आपकी तीन नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है और इस इत, इतने ही एरिया में यहां पे आपके फील्ड की फाइव नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है ओके okay? तो आपके देख रहे हो यहां पे फील्ड स्ट्रोंगर है एज कंपेयर टू द दिस सिचुएशन सो हम एक बात बोल सकते हैं यहां पे जो फ्लक्स होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द दिस सिचुएशन क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा है मतलब आपका फील्ड स्ट्रोंग है अगर फील्ड स्ट्रोंग होगा तो फ्लक्स भी क्या होगा ज्यादा होगा अब दूसरा फैक्टर आता है एरिया अब जितना बड़ा आप लूप लोगे उतनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा पास होगी अगर मैं लूप बड़ा ले लू यहां पे तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा पास करेंगी तो सेकंड फैक्टर क्या यहां पे एरिया जितना जितना एरिया ज्यादा होगा उतना ही फ्लक्स क्या होगा ज्यादा होगा थर्ड वन इज ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन क्या होता है देखो भाई मान लेते हैं कि आपका भी फील्ड लाइंस एक्स डायरेक्शन में है और ये आपका मान लो लूप है ठीक है अभी लूप आपका वर्टिकल है तो आप क्या देख रहे हो अगर आप इस लूप को टिल्ट करोगे टिल्ट टे तो आपकी जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है वो कम पास होंगी ठीक है और इस इस टाइम कितना हो जाएगा जीरो अब जो फ्लक्स है वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपकी लूप की ओरिएंटेशन कैसी है उस फील्ड के अंदर ओके सो थर्ड फैक्टर इज ओरिएंटेशन तो ये आपको ये बात याद रखना है कि फ्लक्स डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एरिया एंड द ओरिएंटेशन ओके अब जो हमारे साइंटिस्ट थे फेराइडे उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया वो मेंबर बार देखने वाले उन्होंने कैसे बोला कि करंट सॉरी चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करंट तो देखो उन्होंने मैग्नेट लिया, लिया, लिया ये बेसिकली एक लूप है और जो किससे कनेक्ट आगे जाके गैल्वेनोमीटर से अभी क्या होता है टू मेजर द स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट अगर आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट मेजर करना है तो आप यूज करते हो गलवेलोमीटर अदरवाइज आप किसका यूज करते हो एमीटर का यूज करते हो ओके okay. तो देखो जब ये मैग्नेट यहां पे थी अब ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो हम क्या बोल सकते हैं कि कोई भी आपकी फील्ड लाइंस इस लूप को कट नहीं कर रही तो फ्लक्स क्या होगा अब यहां पर जीरो ओके okay. फ्लक्स क्या होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग द लूप तो आपकी कोई भी फील्ड लाइन्स इस लूप को अभी कट नहीं कर रही जब आप इस मैग्नेट को इसके पास लेके जाओगे ठीक है जैसे इस मैग्नेट को इसके मैं पास लेके आया तो अब आप क्या देख रहे हो अब आपकी कुछ फील्ड लाइंस इस लूप को कट कर रही है तो आप क्या बोलोगे आपका फ्लक्स चेंज हुआ है अगर फ्लक्स चेंज होगा तो आपका करंट प्रोड्यूस होगा उस करंट को कौन रिप्रेजेंट करेगा डिटेक्ट करेगा गैल्वेनोमीटर तो हमने क्या देखा एक सडन डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुआ के के पहले जो था, का यहां पे था और जैसे इसको मैं पास लेके आया तोर मूव किया राइट डायरेक्शन में यहां पे लेके आया और जब इसको हम बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे थे पीछे ले जा रहे थे तो अब आपका फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है ओके तो अगेन फ्लक्स चेंज हुआ जब फ्लक्स चेंज हुआ तो आपका करंट प्रोड्यूस हुआ पर इस टाइम जो करंट प्रोड्यूस हुआ इस सर्किट के अंदर वो अपोजिट डायरेक्शन में हुआ जिस वजह से जो हमारी नीडल है वो मूव करी डायरेक्शन में ओके तो एक बात देख चुके हो अगर आप मैग्नेट को मूव करवाओगे द लूप और अवे फ्रॉम द लूप तो आपका फ्लक्स चेंज होगा थ्रू द लूप और आपका करंट प्रोड्यूस होगा सर्किट के अंदर जिसे कौन मेजर करेगा हमारा गैरवनोमीटर ओके नेक्स्ट केस में क्या किया हम लोगों ने इस मैग्नेट को फिक्स कर दिया अब हमने लूप को मूव करवाया ठीक है तो जब हम लूप को मूव करवाएंगे मैग्नेट को फिक्स रखेंगे अगेन सेम हैपन होगा ठीक है क्योंकि हमें तो करंट के प्रोडक्शन के लिए किसको चेंज कराना है फ्लक्स को फ्लक्स जब भी चेंज होगा जब आप इस लूप को मूव करवाओगे ओके तो हम एक बात लिख सकते हैं वेन एवर देर इज अर रिलेटिव मोशन बिटवीन कोयल और अम्बार मैग्नेट देन करंट इज प्रोड्यूस इन अलग अगर आपका रिलेटिव मोशन है बार मैग्नेट के बीच में और कोयल के बीच में तब आपका करंट प्रोड्यूस होगा लूप के अंदर या कोईल के अंदर ओके रिलेटिव मोशन का मीनिंग क्या है या तो आप मैग्नेट को मूव करवा लो या फिर कॉयल को मूव करवा लो इन दोनों के बीच में एक रिलेटिव मोशन होना चाहिए करंट के प्रोडक्शन के लिए ठीक है ओके सो so, एक दूसरी बात हमने क्या ऑब्जर्व करी कि जितना फास्टली आप इस मैग्नेट को मूव करवाओगे टुअर्ड द लूप उतना ही करंट ज्यादा प्रोड्यूस होगा ओके okay? तो करंट इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपकी मैग्नेट स्लो आ रही है या फास्ट आ रही है ठीक है तो आप बोल सकते हो कि करंट इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ फास्ट द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज ओके okay? तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट फर्स्ट था अब उन्होंने अपना सेकेंड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया सेकेंड एक्सपेरिमेंट क्या था कि उन्होंने क्या किया कोई भी कोर ले लिया ये बेसिकली एक होलो पाइप है जिसके ऊपर हमने एक वाइंडिंग वाउंड कर रखी है जो किससे कनेक्ट है सप्लाई के साथ मतलब सेल के साथ कनेक्ट है और एक हमारे पास ये दूसरी वाइंडिंग है जो किससे कनेक्ट है गैल्वेनोमीटर के साथ अब हुआ क्या देखो अभी मान लेते कि मेरा स्विच कैसा है ओपन अगर स्विच ओपन है तो करंट कितना होगा जीरो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा जीरो तो यहाँ पे फ्लक्स कितना है जीरो ठीक है अगर फील्ड ही नहीं है तो फ्लक्स क्या होगा जीरो होगा अब जैसे इस की को मैंने क्लोज कर दिया तो हमने क्या देखा करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दिया और करंट मैग्नेटिक करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया और वो मैग्नेटिक फील्ड कहीं ना कहीं इस कोइल के साथ लिंक कर रहा था ओके okay. <coughs> तो हमने क्या ऑब्जर्व किया भाई जब जो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ था वो लिंक करा इस लूप इस सेकेंडरी कोयल के साथ ओके okay, तो मतलब इस कॉइल का फ्लक्स चेंज हुआ और जब फ्लक्स चेंज होता है तो आपका करंट प्रोड्यूस होता है किसके अंदर गैल्वेनोमीटर के अंदर जैसे हमने स्विच को क्लोज किया था ओके okay, तो देखो अब हमने सेम फिनोमेना दोबारा देखा जब हमने स्विच को ओपन किया जैसे स्विच को मैंने ओपन किया

पहले प्रोड्यूस होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अब प्रोड्यूस होगा मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ठीक है तो क्लॉक वाइज आरक्षण रिप्रेजेंट करता है कि फ्लक्स चेंजिंग फ्लक्स प्रोड्यूस करंट ओके तो ये दो एक्सपेरिमेंट है जो कि ये रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर फ्लक्स चेंज होगा तो आपका मैग्नेटिक सॉरी करंट प्रोड्यूस होगा कॉइल के अंदर ओके तो ये बेसिकली मेरे दो एक्सपेरिमेंट हो गए अब नेक्स्ट क्या है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल सो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या है देखो जैसे हम लोगों ने पढ़ा था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ऐसे कुछ राइट हैंड रूल है अब फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में क्या देखते हैं देखो भाई राइट हैंड रूल बोलता है कि जो आपकी इंडेक्स फिंगर है मिडल मतलब फिंगर और ये आपका क्या है थंब राइट हैंड का ठीक है अगर आप इन तीनों को अरेंज करो इस गिवन फैशन में ठीक है मतलब ये तीनों एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर है तो आप क्या देखोगे कि जो आपकी इंडेक्स फिंगर होगी ये रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और जो आपकी सेंट्रल फिंगर है मिडल फिंगर है ये रिप्रेजेंट करेगी डायरेक्शन ऑफ करंट और जो आपका थंब है ये रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ मोशन या फिर फोर्स अगेन देखते हैं फोर फिंगर रिप्रेजेंट करेगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थंब रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स और जो सेंटर फिंगर है वो रिप्रेजेंट करेगी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट ओके तो बार देखते हैं कि फ्लैमिंग राइट हैंड रूल क्या बोलता है इट स्टेट दैट वेन या फिर होल्ड द और अ फोर फिंगर और अ सेंटर फिंगर ऑफ द राइट हैंड एट राइट एंगल टू ईच अदर देन एडजस्ट योर फोर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड थम पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और अ मोशन ऑफ ए कंडक्टर देन इन विच डायरेक्शन सेंटर फिंगर इज पॉइंटिंग गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट मतलब इंडेक्स फिंगर अगर आपका है फील्ड की डायरेक्शन में थंब है अगर आपका फोर्स की डायरेक्शन में तो सेंटर फिंगर जिस डायरेक्शन में है वो डायरेक्शन होगा करंट का ओके okay? तो आपको याद रखना है करंट मैग्नेटिक फील्ड फोर्स अब इसके ऊपर हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं एक बार मान लो आपके पास कोई भी मान लो कंडक्टर है मान लो आपके पास कोई भी कंडक्टर है और, और मान लो मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है ओके मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और कंडक्टर मेरा ऐसे प्लेस्ड है अच्छा अगर इस कंडक्टर को मैं ऊपर की तरफ मूव करवाऊ भाई ये मान लो मेरा कंडक्टर है और फील्ड मेरा इस डायरेक्शन में है अगर इस कंडक्टर को मैं ऊपर की तरफ मूव करवाऊ ठीक है तो आपको बताना है कि इस कंडक्टर में डायरेक्शन ऑफ करंट कहां से कहां होगा मतलब आपको बताना है डायरेक्शन ऑफ करंट कहां होगा ठीक है तो हम लोग देखते हैं भाई हम यहां पे अब किसका यूज करेंगे है? राइट हैंड थंब रूल का कैसे भाई फील्ड इस डायरेक्शन में है देखो फील्ड इस डायरेक्शन में है और कंडक्टर मेरा मूव कर रहा है बाहर की तरफ ओके okay? तो करंट मेरा होगा अंदर की तरफ ठीक है फील्ड मोशन इस में और करंट कौन रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ मिडल फिंगर तो आप बोल सकते हो इस लूप में इस वायर में जो करंट होगा वो मूव करेगा बी से ए की तरफ ओके okay? तो ऐसे आपको अपना डायरेक्शन निकालना है विद द हेल्प ऑफ फ्लैमिंग राइट हैंड रूल ओके सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एसी जनरेटर जैसे आप लोगों ने पढ़ा था मोटर ऐसे ही कुछ एसी जनरेटर भी है तो कुछ इसमें सिमिलरिटी है बट कुछ मेन डिफरेंस भी है इसमें ठीक है सो जनरेटर होता है क्या आप लोगों ने देखा है जनरेटर वो डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है ठीक है तो हम लिख सकते हैं जनरेटर क्या होता है इट इज अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कन्वर्ट मकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो मकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उसको हम क्या बोलते हैं एसी जनरेटर ओके अब मैं आपको पहले बताता हूं कि जनरेटर आपने देखा होगा सभी ने कि आप देखते हो कि ये भाई हमारा आपने देखा होगा भाई यहां पर जो जनरेटर होता है यहां पे एक इंजन होता है हमारा ठीक है इंजन से एक शार्ट जारी होती है किसके अंदर अल्टरनेटर के अंदर ठीक है भाई, इ, भाई इसको रोटेट कौन करता है? इंजन रोटेट करता है यहां पे आपने देखा होगा फ्लाई व्हील भी लगा होता है तो हमारी शाफ्ट को कौन रोटेट करता है इंजन मतलब काइनेटिक एनर्जी कौन दे रहा है उसको इंजन दे रहा है और ये हमारा बेसिकली क्या है हमारा अल्टरनेटर है जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है ठीक है जी तो आपने ये सभी ने अपने घरों में देखा होगा या कहीं शॉप पे देखा होगा कि जनरेटर के अंदर पूरा एक जनरेटर के अंदर दो पार्ट होते हैं एक होता है अल्टरनेटर एक होता है इंजन वाला पार्ट हम लोग अब किसके बारे में पढ़ते हैं यहां पे अल्टरनेटर वाले पार्ट के बारे में पढ़ते हैं जो ग्रीन सा एक आगे बॉक्स सा रखा होता है सभी ने देखा हो कभी वो कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है वो हम देखते हैं तो आप एक बात तो जान चुके हो जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है अब इसका प्रिंसिपल क्या है अब जो जनरेटर वो बेसिकली वर्क करता है किसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है कि अगर आपका फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है, तो आपका करंट इंड्यूस होगा कोईल के अंदर उसी प्रिंसिपल पे हमारा जनरेटर वर्क कर रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कोइल चेंजेस देन करंट इज अ कोईल सो so, अब नेक्स्ट क्या है डायग्राम अब डायग्राम में आपको जैसे हम लोगों ने पहले देखा था ये बेसिकली क्या है बेसिकली नॉर्थ और साउथ पोल है किसी भी शू मैग्नेट के और ए बी सी डी यहां है मेरे पास और आर्मेचर किससे कनेक्ट है पे पे रिंग से वहां था स्प्लिट रिंग और यहां पे कंप्लीट है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं स्लिप रिंग ठीक है और ये बेसिकली बीवन बीटू यहां पे क्या है ब्रशेस और जी यहाँ पे क्या है गैल्वेनोमीटर तो ये बेसिकली आपका डायग्राम है इसी जनरेटर का

सो so, नेक्स्ट क्या यहां पे आर्मेचर अब आप क्या देख रहे हो ए बी सी डी बेसिकली क्या आर्मेचर कोइल है जिसको आपने माउंट कर रखा है या वाउंड कर रखा है किसी भी सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर ओके okay? तो इस असेंबली को आप क्या बोलते हो आर्मेचर नेक्स्ट यहां पे क्या है स्लिपरिंग अब यहां पे क्या देख रहे हो आप एस वन एस टू यहां पर क्या है स्लिपरिंग है ठीक है अब स्लिपरिंग बेसिकली क्या है देखो जब आपका ये आर्... भाई ये जो आर्मेचर है ये किससे कनेक्ट है आगे जाके शाफ्ट से कनेक्ट है जब आपकी शाफ्ट रोटेट करेगी आर्मेचर रोटेट करेगा आर्मेचर रोटेट करेगी तो आपकी स्लिपरिंग भी क्या करेगी रोटेट करेंगे ठीक है ओके okay, अब नेक्स्ट हमारे यहां पे ब्रशेस यहां पे जो आप देख रहे हो बीवन बीटू बेसिकली क्या ब्रशेस है जो कि कॉन्टेक्ट मेंटेन करते हैं लोड के बीच में ये मेरा बेसिकली क्या है लोड है ठीक है और कॉइल के बीच में तो कॉन्टेक्ट मेंटेन कौन करता है हमारे ब्रशेस सो so, वर्किंग कैसे है? वो देखते हैं पहले वर्किंग में आप क्या देखते हो वेन ए आर्मेचर रोटेट इन देखो मान आर्मेचर है हेल्प ऑफ शार्क तो आप क्या देखोगे ये आपका ए बी एंड ऊपर मूव करेगा और जो सी डी वाला एंड है वो नीचे मूव करेगा ठीक है तो जब ए बी वाला ऊपर जाएगा तो आप क्या बोलोगे अगर मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है फील्ड इस डायरेक्शन में है तो करंट अंदर की तरफ होगा तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा वो हुआ ए से बी जो डायरेक्शन ऑफ़ करंट है वो ए से बी फिर सी डी वाला आर नीचे जा रहा है तो इसमें करंट होगा मेरा सी से डी की तरफ ओके फिर करंट जो हमारा ये एक्सटर्नल सर्किट है उसमें होगा बी टू से बी वन की तरफ भाई करंट ए से बी गया फिर C से डी फिर डी के थ्रू आ गया एस टू के पास एस टू से किसके पास गया बी टू के पास पर बी टू से कहा चला गया वो बी वन के पास तो फर्स्ट केस में जो डायरेक्शन ऑफ करंट है इंड्यूस करंट एक्सटर्नल सर्किट के अंदर कर बी टू से बी वन ओके अब आफ्टर हाफ रिवोल्यूशन आफ्टर हाफ रिवोल्यूशन क्या होगा अब जो सी डी है वो ए बी को रिप्लेस कर देगा मतलब यहां पर सी आ जाएगा यहां पे डी आ जाएगा यहाँ पे बी आ जाएगा यहां पे ए आ जाएगा ठीक है तो आप क्या बोलोगे अब जो सी डी है वो ऊपर मूव करेगा ठीक है जब ये ऊपर मूव करेगा तो करंट होगा डी से सी और यहां पे होगा बी से ए और ए के थ्रू वो कहां पे आ जाएगा एस वन के पास क्योंकि ए किससे कनेक्ट है एस वन से कनेक्ट है और एस वन के थ्रू किसके पास आएगा बी वन के पास और बी वन से कहां चला जाएगा वो बी टू के पास तो आप क्या देख रहे हो डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो चुका है पहले करंट था बी टू से बी वन की तरफ अब वो करंट है बी वन से बी टू की तरफ इस सर्किट के अंदर तो इस वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट बोल रहे हैं ठीक है अल्टरनेटिंग का मतलब क्या होता है कि डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो रहा है आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन ओके ठीक है तो नेक्स्ट केस में क्या देखा डायरेक्शन ऑफ करंट मूव हुआ हमारा बी टू से बी वन की तरफ ओके तो इस केस इसी हिसाब से बोल रहे हो कि जो हमारा करंट है वो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है आफ्टर हाफ रिवोल्यूशन हम बोल सकते हैं जो इसकी आउटपुट करंट होगा वो कैसा होगा अल्टरनेटिंग होगा अल्टरनेटिंग करंट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ के ऊपर ये ग्राफ है किसके बीच में करंट के बीच में और टाइम के बीच में ओके